डायरीज बाय क्रिक हीरोज, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज हमारे साथ आए हैं एक और स्टार फ्रॉम द ग्रास रूट क्रिकेट एंड दिस टाइम फ्रॉम दिल्ली। ही हैज वन मल्टीपल अवार्ड्स एज बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन एंड प्लेयर ऑफ द मैच। चलो उनको पूछते हैं उनके लिए सबसे यादगार अवार्ड कौन सा है। लेट्स वेलकम संजय ठाकुर टू नो मोर अबाउट हिज जर्नी सो फार। हाय संजय। हाय मैम। सो पहले तो आप बताओ, इतने सारे अवार्ड में से आपका सबसे यादगार अवार्ड कौन सा रहा? ऐसे तो काफी सारे अवार्ड्स हैं जो कि काफी यादगार हैं अच्छी टीमों से खेलने के बाद जो मिले हैं, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने 6 विकेट लिया था एक टीम के खिलाफ एंड मैं काफी एक्साइटेड था क्योंकि वो हमारा टूर्नामेंट का पहला मैच था एंड वो टीम नोएडा की अच्छी टीम है और उनके उनके जो प्लेयर्स हैं नोएडा के काफी अच्छे प्लेयर्स खेलने आते हैं, तो उन्होंने एक दिन पहले ही अपनी लिस्ट भेज दी थी प्लेयर्स की, ये प्लेयर्स खेलते थे। जब मैंने लिस्ट देखी तो मैंने देखा कि नोएडा के सारे अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं उस मैच में, तो मैं रात भर मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई कि हाँ ये खेल रहा क्या होगा, मैच का क्या होगा। फिर हम गए मैच खेलने के लिए, उस मैच में मेरी भी टीम ठीक थी लेकिन ये लग रहा था कि हाँ उनकी टीम अच्छी ज्यादा लग रही है मुझे देखने में, ऑन पेपर रिकॉर्ड के हिसाब से अच्छी लग रही थी, लेकिन जब मैच स्टार्ट हुआ उसके बाद से जो हम एक्साइटेड थे, हमने अपने पूरे बेस्ट देने का पहले से प्लान कर रखा था कि हम अपना पूरा बेस्ट देंगे और वही हुआ। हमारी पहले बैटिंग आई, हमने अच्छे खासे रन बना दिए, 200+ रन बना दिए जब उनकी बैटिंग आई, तो हमने उनको ऑलमोस्ट नहीं सॉरी हमारी पहले आई थिंक बॉलिंग थी हमने उस मैच में, मैंने 6 विकेट्स लिए थे एंड जो अच्छे बैट्समैन थे उनके विकेट मैंने निकाले थे सारे, तो मुझे लगा कि हाँ यार अच्छा मैच निकाला है हमने, वो मैच बहुत आसानी से हम जीत गए थे, तो वो मेरे लिए काफी अच्छा मैच था। रिसेंट मेमोरीज में मुझे अभी तो वही ध्यान आता है। अरे वाह, वेरी नाइस। हाँ वो मैंने भी देखा आपका और वो भी मेरा भी क्वेश्चन था कि वही आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट था क्या? नहीं, राइट क्योंकि आई थिंक मैंने 2 ही बार लिए 6 विकेट एंड आफ्टर लॉकडाउन ये आई थिंक दूसरा या तीसरा मैच हम खेल रहे थे एंड मुझे थोड़ा सा डाउट था कि परफॉर्म कैसा होगा, अच्छा होगा नहीं होगा, क्योंकि बॉल काफी दिन बाहर डाल रहे थे, लेकिन उस मैच में मुझे जो विकेट मिले और जिन प्लेयर्स का मिला ना, तो मुझे लगा यार मैं अच्छा बॉल डालता हूँ, तब मुझे लगा। सो तो बेसिकली अगेन लेट्स पहले शायद हम लोग एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, कहां से आपका ये पैशन फॉर क्रिकेट ये कब से डेवलप हुआ, कब से स्टार्ट हुआ? पहले हम स्कूल में थे तो स्कूल में क्या स्कूल की अपनी टीम होती थी, तो टीम में पहले लड़के खेलते थे जिनकी सोच होती थी थोड़ी बहुत, हर सर से जान पहचान होती थी, जो वहाँ के स्पोर्ट्स कोच होते थे तो वो लड़के खेलते थे, तो हम देखते थे तो हमें लगता था यार मैं भी तो अच्छा खेलता हूँ, मैं भी खेल सकता हूँ, तो देखते देखते हम अब थोड़ी क्राउड भी अच्छी होती थी तो मन करता था यार हमें भी टीम में ले ले, तो एक दो बार सर से बात की कि सर हमें भी मौका दो खेलने के लिए, तो एक बार उन्होंने चांस दिया था, मैं उसमें काफी पेस बॉल डालता था, अच्छी बॉल डालता था, तो उन्होंने देखा और टीम में पेस बॉलर की कमी थी, तो उन्होंने देखा कुछ बॉल डालते हो ना, तो उन्होंने बोला हाँ लड़का तो ठीक है ले सकते हैं, तो उन्होंने हमें टीम में लिया। उसके बाद से हम अच्छा परफॉर्म करते गए तो स्कूल से ही हमारा पैशन स्टार्ट हो गया था क्रिकेट की तरफ, और ये ऐसा आदत है ना क्रिकेट का कि कुछ उसके सामने कुछ दिखता नहीं है, घर परिवार कुछ नहीं दिखता, तो मैंने खेलना स्टार्ट किया उसके बाद कॉलेज में, फिर आगे एकेडमीज खेलना स्टार्ट किया, तो तब से हम खेलना स्टार्ट कर दिए थे, बाद में फिर ऑफिस जॉब ये सब आ गया तो फिर पैशन थोड़ा सा अभी भी है और उसी पैशन को मेंटेन कर रहे हैं कि अभी भी हम खेल रहे हैं इस एज पे भी। That's wonderful. बहुत ही अच्छी बात है। और तो like you said, जैसे आप ऑलराउंडर हो, जो ऑलराउंडर होते हुए आपको ज्यादा पसंद कौन किस चीज में ज्यादा आता है, लाइक बैटिंग करना या बॉलिंग करना? स्टार्टिंग में तो मुझे बॉलिंग का काफी पैशन था कि बॉलिंग ही करेंगे, क्योंकि उस समय मैं पेस बॉलिंग डालता था, लेकिन थोड़ा सा इंजरी हो गई थी मुझे, तब से स्पिन डाल रहा हूँ, लेकिन अब मैं काफी इंजॉय कर रहा हूँ स्पिन करना, मतलब बॉलिंग ही मुझे ज्यादा पसंद आ रही है एज अ बैटिंग, क्योंकि बैट्समैन को ना चांस ज्यादा नहीं मिलता, बॉलर को 3 ओवर 4 ओवर इतने मिलते हैं कि हाँ वो 1 विकेट 2 विकेट कम से कम उससे पूरा पूरा मौका है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बैट्समैन का प्रेशर रहता है कि हाँ अगर एक बॉल पे आउट हो गया तो उसके बाद तो दिन भर बैठना ही है, कुछ करना है नहीं, तो बॉलिंग मेरी अच्छी है और बॉलिंग ही मेरा पैशन है इंस्टेड ऑफ बैटिंग, तो मेरा फोकस अभी बॉलिंग पे ही ज्यादा है। ओके और ऐसा कोई आपका फेवरेट प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर बॉलर जो बहुत ही इंस्पिरेशन रहा आपके लिए? मुझे अभी रिसेंटली बुमराह मुझे काफी अच्छा लगता है, बिकॉज़ उसका लाइन एंड लेंथ काफी
काफी मेंटेन्ड है, वो 6 के 6 बॉल 1 लेंथ पे वो डाल पाता है, तो मुझे बुमराह काफी इंस्पायर करता है। एंड एज अ बैट्समैन स्टार्टिंग से मैं सचिन और सौरभ गांगुली का फैन रहा हूँ, तो शुरू से हम स्टार्टिंग से ही स्कूल टाइम से उनको ही फॉलो करते हैं, देखते हैं, तब वो देखते देखते बड़े हुए, तो उनकी बैटिंग देख के लगता था कि हाँ यार कोई खेल रहे हैं, तब से हम उनको फॉलो करते हैं। That's wonderful. और इस वाले जैसे आपने बोला ये अभी जो कोविड वाला सिचुएशन था, लॉकडाउन, कोविड वाला सिचुएशन चल तो रहा है, बट जैसे लॉकडाउन हो गया उस टाइम पे तो आप खेल नहीं पा रहे थे कुछ महीने शायद, एंड बट देन अदरवाइज नॉर्मली ऑफ सीजन में आप क्या करते हो, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ बिजी? ऑफ सीजन में अभी तो हम एटलीस्ट क्योंकि क्रिकेट से टाइम मिलता नहीं है, सारा सीजन टाइम क्रिकेट ही चलता रहता है, तो फिर ऑफ सीजन में फैमिली पे ज़्यादा टाइम देते हैं, जो कुछ पेंडिंग काम है जो हम ऐसे नहीं कर पाते थे वो सब काम निपटाते हैं, फिटनेस पे थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं कि थोड़ा सा फिटनेस प्रॉपर मेंटेन रहे, बिकॉज ऑफ सीजन में क्या होता है ना कि बैठे बैठे फिर वो फिटनेस खराब हो जाती है, तो फिटनेस हम थोड़ा मेंटेन करते हैं ऑफ सीजन में, और फैमिली को ज़्यादा टाइम फैमिली को देते हैं। ओके और जैसे फिटनेस के बारे में बात किया तो आप वो क्या कैसे मेंटेन करते हो फिटनेस, हाउ डू यू, आपका फिटनेस का वो रिजीम क्या है? मैं जनरली जिम में रेगुलर हूँ, कार्डियो ट्रेनिंग तो मस्ट है, कार्डियो ट्रेनिंग के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई जिसमें कि आप बॉल डाल सको, स्ट्रेंथ मेंटेन हो कि हाँ थ्रो फेंक सको बाउंड्री से, तो स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस हो गई, कार्डियो एक्सरसाइजेस हो गई, डाइट हो गई, डाइट प्रॉपर फॉलो करना, फैट एक्सरसाइज एंड हेल्दी मेंटेन करना बॉडी को, बॉडी वेट प्रॉपर हो, क्योंकि कभी कभी होता है कि बॉडी वेट ज्यादा हो जाने के कारण ना वो फिटनेस उस हिसाब से नहीं रहती। ट्रू, दैट्स ग्रेट। और कितना रेगुलरली क्रिकेट खेलते हो, लाइक हर रोज, हर वीकेंड में? अभी तो काफी ज्यादा हो गई है, अभी तो डेली मैचेस होते हैं, अभी हमारा शेड्यूल जो है, आज का एक ब्रेक था, आज हमारा मैच नहीं था, कल भी नाइट में मैच खेल के आया हूँ, और कल से लगातार 4 दिन मैच है, 3 एकेडमीज के मैच है, 2 फाइनल्स है हमारे टूर्नामेंट्स के, तो अभी रेगुलर, अब जब से 4-5 दिन मैंने लॉकडाउन रहा उसके बाद से अब हम उसको मेंटेन कर रहे हैं निकाल। और ये लॉकडाउन के बाद ये कोविड सिचुएशन में आप लोग मैंने व्हाट आर दोस खुद का क्या क्या मेजर्स आप ले रहे हो सो दैट यू नो वो सेफ, अपना सैनिटाइजर एंड मास्क सब लगा के रखते हैं जितने प्लेयर्स है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं हम कि हाँ, और जब कोई विकेट या कुछ लेते हैं तो चीयर्स और ग्रीटिंग्स ना करके ना थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ आपस में डिस्टेंस मेंटेन करो, हैंडशेक तो मना ही कर रखा है, हैंडशेक तो कोई करता नहीं है। ओके गुड। एंड ये आईपीएल चल रहा है, इस आईपीएल में आप कौन से प्लेयर को अभी फॉलो करने वाले हो? मैं रोहित शर्मा को फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज रिसेंट टाइम्स में मुझे वही एक प्लेयर ऐसा लगता है जो कि कोई भी मैच हो कितना भी स्कोर हो वो चेज कर सकता है, तो रोहित शर्मा मेरे लिए अभी और एंड मुंबई इंडियंस टीम भी ऐसी है, मुझे वो लगता है कि वो जीत सकती है अच्छी। ओके सो मुंबई इंडियंस को आप सपोर्ट कर रहे हो इस आईपीएल में? मुंबई इंडियंस को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। ओके वंडरफुल और ग्रेट, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, और एंड वी ऑल विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, आप बहुत सारे मैचेस खेलते रहो विद अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड और बहुत सारे अवार्ड्स विन करते रहो आप। थैंक यू मैम, आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, वी वर आल्सो वेरी एक्साइटेड टू मीट यू एक्चुअली हैव दिस कन्वर्सेशन। And thank you so much for everyone else. Please watch out this space. कल हम वापस आएंगे एक और स्टार के साथ ग्रासरूट क्रिकेट। Till then, take care. Bye bye.